16वीं सदी से 21वीं सदी तक का साक्षी दिल्ली का लाल किला, देश की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसने भारत के भविष्य की नींव पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। हिंदुस्तान की कोहिनूर के लिए भी अंग्रेजों ने हिफाजत के तौर पर जिस लाल किला को चुना, वही लाल किला 76 साल से भारत में बनते इतिहास और बदलती सत्ताओं का भी गवाह रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक, मनमोहन सिंह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, हर एक प्रधानमंत्री इसी लाल किले से तिरंगा फहराकर देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते आए हैं। लाल किला राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का मंच है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही अपने पहले संबोधन यानी कि साल 2014 में कही थी। तब देश आजादी का 68वां उत्सव मना रहा था। तब पीएम मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री के बजाय प्रधान सेवक बताते हुए देश की आर्थिक उन्नति का एक नक्शा जनता के सामने रखा था। 9 साल बाद जब 10वीं बार प्रधानमंत्री लाल किले पर बोलने आए, तब 2024 के चुनाव से पहले अपने दूसरे कार्यकाल के तहत लाल किले से होने वाले आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी उन्नत अर्थव्यवस्था भारत को बना देने का सपना जनता के मन में अब लाल किले से भी रख चुके हैं। नौ साल में 12 घंटे 54 मिनट का संबोधन, 2014 में 56 मिनट का संबोधन, 2015 में 94 मिनट का संबोधन, 2016 में 88 मिनट का संबोधन, तो वही 2017 में 65 मिनट का संबोधन, 2018 में 86 मिनट का संबोधन, 2019 में 92 मिनट का संबोधन, 2020 में 83 मिनट का संबोधन, 2021 में 90 मिनट का संबोधन, तो वही 2022 में 83 मिनट का संबोधन। 2021 तक अर्थव्यवस्था $8 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान। S&P ग्लोबल ने लुक फॉरवर्ड इंडियाज मनी शीर्षक नाम के अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वही ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि साल 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $8 ट्रिलियन हो सकती है। वही भारत के इस सपने को दुनिया में आ रहे बदलाव तेजी से हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि चीन से अमेरिका और यूरोप के बिगड़ते रिश्तों का असर कारोबार पर पड़ रहा है। चीन अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारी देश का तमगा खो चुका है। शायद पहली बार आर्थिक, राजनीतिक और जियोपॉलिटिक्स में भारत को लेकर अनुकूल माहौल है। वही आपको बता दें कि पीएम मोदी का दावा है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि हमारा देश पहले टर्म में 10वें नंबर पर था, दूसरे टर्म में आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वही दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा, यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में हिंदुस्तान खड़ा होगा, थर्ड टर्म में भारत टॉप 3 में पहुँच कर रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। 25 सालों में विकसित देश बनाने का लक्ष्य हिंदुस्तान को लेकर इसी भरोसे के चलते एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन भारत में भारी निवेश का ऐलान कर चुकी है। यानी जिन लक्ष्यों को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ऐलान किया, उसे पूरा करने में दुनिया का भी साथ मिल रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य अब अगले 25 सालों में भारत को विकसित देश बनाने का है, लेकिन उसके लिए सरकार को लगातार रिफॉर्म करते रहने होंगे। बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू की हैं। वही भारत को लेकर दुनिया भरोसे से भारी हुई है। अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक बनने की भविष्यवाणी हो रही है। इसकी 2 बड़ी वजह है, पहला कुशल मानव संसाधन और दूसरा बड़ा बाजार। लेकिन भारत को कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय अहम है, क्योंकि भले ही हम अर्थव्यवस्था के आकार में दुनिया की 5वीं नंबर की ताकत बन गए हों, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर हम दुनिया के कई देशों से काफी पीछे हैं।
भले ही अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाने में सफल होते जा रहे हैं, लेकिन अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई एक ऐसा मुद्दा है जिसका हल निकालने पर भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार और तेजी से बढ़ सकता है। वही आपको बता दें कि पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने जनता की भलाई के कई नए योजनाएं लेकर आए हैं। हर बार की तरह इस बार भी लोगों की नजरें 15 अगस्त को पीएम मोदी की तरफ बनी हुई थी। लोगों के मन में सवाल था कि 10वें साल से आगे क्या होगा, क्या महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून का जो प्रावधान अब सरकार सदन तक ला चुकी है, अब लाल किले से 10वें संबोधन में पीएम मोदी ने जो वादे किए हैं क्या वो आने वाले समय में पूरा हो पाएगा। सवाल का जवाब हम जनता पर सौंपते हैं।